तुम सबसे ताकतवर सैयन से लड़ना चाहते थे ना जिरेन? लो मैं आ गया, इस इतिहास का सबसे ताकतवर सैयन प्रिंस वेजिटा। तो ये कहानी की शुरुआत होती है टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से, जब वेजिटा गोकू को बोलता है, कैकारोट मुझे तुम अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की शक्ति दिखाओ। फिर इस पर गोकू बोलता है, मैं नहीं कर सकता वेजिटा। फिर से वेजिटा बोलता है, क्या बकवास बंद करो, मुझे तुम्हारी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ताकत देखनी है जो तुमने टूर्नामेंट ऑफ पावर में दिखाया था। फिर गोकू वेजिटा से बोलता है, ठीक है वेजिटा, मैं कोशिश करता हूँ। उसके बाद गोकू थोड़ा शांत हो जाता है और फिर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में बदलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बदल नहीं पाता है और फिर बोलता है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ वेजिटा। फिर वेजिटा बोलता है, तुम मुझे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ताकत दिखाना नहीं चाहते हो कैकारोट? क्या? हाँ, क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि कहीं मैं उस फॉर्म का कोई तोड़ ना निकाल लूं। क्यों, मैंने बिल्कुल सही कहा ना कैकारोट? फिर गोकू बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है वेजिटा, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उस फॉर्म में बदल नहीं पा रहा। फिर वेजिटा बोलता है, बहानेबाजी बंद करो कैकारोट और एक असली योद्धा की तरह मेरा मुकाबला करो। फिर गोकू बोलता है, वेजिटा मैं क्या बोल रहा था, अगर हम यहाँ पर लड़ाई करेंगे तो यहाँ पर काफी ज्यादा तबाही मचेगी, क्यों ना हम टाइम चेंबर में जाकर लड़ाई करें? क्यों, क्या कहते हो वेजिटा? इस पर फिर वेजिटा बोलता है, आइडिया बुरा नहीं है कैकारोट, लेकिन क्या टाइम चेंबर हमारी इस गॉड की को झेल सकती है? इस पर गोकू बोलता है, तुम चिंता मत करो वेजिटा, मैंने 20 से कहकर इस टाइम चेंबर को काफी ज्यादा मजबूत बना दिया है और ये टाइम चेंबर तभी टूट सकता है जब हमारी शक्ति एक एंजल के बराबर होगी, क्योंकि इस टाइम चेंबर को 20 ने मॉडिफाई किया है। फिर गोकू शॉक होकर के बोलता है, अरे नहीं, मैं तो भूल ही गया, 20 ने कहा था कि इसके दरवाजे से थोड़ा दूर रहना क्योंकि वो दरवाजा मजबूत नहीं है। 20 ने मुझसे कहा था कि इसके सिर्फ डायमेंशन के लेयर को ही मजबूत बनाया गया है, तो हमें दरवाजे से करीब 100 किलोमीटर दूर जाकर ही अपनी ट्रेनिंग करनी होगी। फिर वेजिटा बोलता है, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर ट्रेनिंग करने नहीं आया हूँ कैकारोट, बल्कि मैं यहाँ पर तुम्हारे उस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म से लड़ने आया हूँ, समझे तुम बेवकूफ? फिर गोकू बोलता है, ठीक है वेजिटा, तो तैयार हो जाओ। उसके बाद फिर गोकू सुपर सैयन ब्लू में बदल जाता है और बोलता है, पहले तुम इसका तो सामना करके दिखाओ वेजिटा, उसके बाद मैं अपना लेवल और बढ़ाऊंगा। फिर वेजिटा बोलता है, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो जोकर कहीं के। उसके बाद फिर वेजिटा भी सुपर सैयन ब्लू में बदल जाता है और फिर इन दोनों में लड़ाई होने लग जाती है। एक पंच पहले वेजिटा गोकू को मारता है, उसके बाद फिर गोकू वेजिटा को, दोनों में काफी ज्यादा घमासान लड़ाई हो रही होती है। फिर गोकू कायोकेन 20 गुना का इस्तेमाल करता है और इधर वेजिटा सुपर सैयन ब्लू इवोल्यूशन फॉर्म का इस्तेमाल करता है। फिर गोकू बोलता है, अब तुम इसका सामना करके दिखाओ वेजिटा। फिर वेजिटा बोलता है, मेरे सुपर सैयन इवोल्यूशन फॉर्म को तुम हल्के में मत लेना, समझे कैकारोट? फिर गोकू बोलता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये दोनों लड़ाई करने लग जाते हैं। वेजिटा गोकू पर भारी पड़ रहा होता है और बोलता है, अगर तुम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल नहीं करोगे कैकारोट, तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और मैं इस बार मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, समझे तुम बेवकूफ? इसके बाद फिर वेजिटा अपनी पावर को अप करने लगता है और गोकू को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है और फिर वेजिटा गुस्से में बोलता है, अपनी ताकत दिखाओ कैकारोट, वरना आज तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। फिर हम देखते हैं कि गोकू बिल्कुल अधमरा सा हो जाता है। इसके बाद फिर वेजिटा बोलता है, ऐसी शक्ति का क्या फायदा जो तुम्हें मौत के मुंह में धकेल दे। और फिर वेजिटा अपना आखिरी हमला करने वाला होता है और बोलता है, तुमने हमेशा मेरा मजाक बनाया है, मैं एक सैयन प्रिंस हूँ और तुम एक नीचे स्तर के सैयन, अब मरो कैकारोट। इसके बाद फिर वेजिटा गोकू पर आखिरी हमला कर देता है, लेकिन अचानक से वो हमला गायब हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में बदल जाता है और फिर गोकू बोलता है, अब तो तुम खुश हो, क्यों है ना वेजिटा? फिर वेजिटा स्माइल करते हुए बोलता है, ये हुई ना बात। फिर गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और वेजिटा का सुपर सैयन ब्लू इवोल्यूशन फॉर्म में लड़ाई होने शुरू हो जाती है। गोकू वेजिटा के सारे हमले से बच जा रहा था। फिर वेजिटा बोलता है, ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट इतना ताकतवर हो सकता है, मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं था, मैं तो इसे छू तक नहीं पा रहा। फिर वेजिटा पावर अप करने लगता है और पावर अप करते हुए सुपर सैयन इवोल्यूशन 2 फॉर्म तक पहुंच जाता है। फिर गोकू बोलता है, ओ लगता है कि तुम्हारे पास भी अभी बहुत ताकत बची है,
अब बहुत हो गया वेजिटा, मैंने बहुत तुम्हारे साथ खेल लिया। फिर वेजिटा बोलता है, क्या ये मेरे साथ मजाक कर रहा था? उसके बाद फिर गोकू एक बड़ा सा की ब्लास्ट करता है और फिर वेजिटा अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और फिर वेजिटा बोलता है, नहीं फिर से नहीं, कैकरोट हमेशा मुझसे एक कदम कैसे आगे निकल जाता है। फिर गोकू भी अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और बोलता है, बाल बाल मैं बच गया, तुम तो मुझे मार ही डालते वेजिटा, मेरी तो जान ही निकल गई थी। खैर मैं थोड़ा टाइम चेंबर के बाहर जा रहा हूँ वेजिटा, तब तक तुम टाइम चेंबर के अंदर ही अपनी ट्रेनिंग करना, ठीक है? और हाँ, दरवाजे के पास जाकर ट्रेनिंग मत करना, अगर दरवाजा गलती से भी टूट गया तो तुम इस टाइम चेंबर के अंदर हमेशा बंद हो जाओगे। और हाँ, इसके डायमेंशन को तोड़ना भी नामुमकिन है, तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। ये बोलकर गोकू वहाँ से चला जाता है। वेजिटा दरवाजे से 100 किलोमीटर दूर होता है। फिर वेजिटा मन ही मन खुद को बोलता है, मैं सैयन प्रिंस के नाम पर एक थप्पा हूँ, मैं कभी कैकरोट से आगे नहीं निकल सकता, वो हमेशा से मेरे से एक कदम आगे ही रहता है, वो नीचे स्तर का सैयन आज मुझसे बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है। सच तो ये है कि मैं हीरो बनने के लायक ही नहीं हूँ। फिर एक वेजिटा को डरावनी से आवाज सुनाई देती है, तुमने बिल्कुल सही कहा वेजिटा, तुम हीरो बनने के लायक नहीं हो। ये सुनकर वेजिटा हैरान हो जाता है और कहता है, ये किसने कहा? फिर वेजिटा चारों तरफ देखने लगता है और बोलता है, कौन है यहाँ पर? फिर वो बोलता है, तुम इधर उधर कहाँ देख रहे हो वेजिटा, मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ। फिर वेजिटा बोलता है, कौन हो तुम? फिर वो बोलता है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ वेजिटा, जो तुम्हारी मदद करना चाहता है। फिर वेजिटा बोलता है, आखिर तुम हो कौन बेवकूफ कहीं के, और मेरे शरीर से बाहर निकलो। जरा रुको वेजिटा, तुम उस सैयन से आगे निकलना चाहते हो ना? मैं तुम्हें उस सैयन से बहुत आगे तक ले जा सकता हूँ। इतना ही नहीं, तुम्हारे सामने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी घुटने टेकेंगे। फिर वेजिटा पावर अप करने लगता है। वेजिटा के चारों तरफ से एक ब्लैक ऑरा निकलने लगती है। उनमें से एक ऑरा इतना तेज होता है कि वो सीधा जाकर के टाइम चेंबर से टकरा जाता है और टाइम चेंबर का दरवाजा पूरी तरह से तबाह हो जाता है। इधर गोकू अपने फैमिली से मिलकर टाइम चेंबर की तरफ आ रहा होता है, तभी उसे एक अजीब सी ताकत महसूस होती है। वो टाइम चेंबर के पास जैसे ही पहुंचता है तो वो पाता है कि टाइम चेंबर का दरवाजा टूटा हुआ था। फिर गोकू सोचता है, ये जरूर उसी शक्ति का करा धरा है, लेकिन आखिर वो था कौन? फिर डेंडे और मिस्टर पोपो भी वहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं, ये आखिर कैसी शक्ति थी? फिर गोकू बोलता है, डेंडे मिस्टर पोपो, क्या यहाँ पर कोई आया था? डेंडे कहता है, मुझे नहीं पता, मैंने उसे नहीं देखा। इधर वीश को वो शक्ति महसूस होती है और वीश बोलते हैं, आखिर ये कैसा एहसास है? फिर गोकू बोलता है, वेजिटा टाइम चेंबर के अंदर फंस गया है, हम उसे बाहर कैसे निकालेंगे? ये दरवाजा भी टूट गया है और उसके डायमेंशन से बाहर निकलना बिल्कुल नामुमकिन है, अब हम क्या कर सकते हैं डेंडे? डेंडे कहता है, हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। गोकू बोलता है, क्या डेंडे? वेजिटा की मौत। फिर गोकू बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो? फिर डेंडे बोलता है, गोकू शेनॉन भी वेजिटा को उस डायमेंशन से वापस नहीं ला सकते हैं और टाइम चेंबर में ज्यादा कुछ खाने पीने को बचा नहीं है, मुश्किल से 10 दिनों का ही सामान बचा होगा। उस टाइम चेंबर के अंदर वेजिटा कुछ ही दिनों तक सरवाइव कर पाएगा। उसके बाद फिर गोकू बोलता है, और कोई रास्ता नहीं है डेंडे? फिर डेंडे बोलता है, शायद वीस इस चीज में हमारी मदद कर सकते हैं। गोकू फिर इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करके वीस के पास जाता है और बोलता है, वीस मुझे आपकी मदद चाहिए, वेजिटा टाइम चेंबर के अंदर फंस चुका है, हमें उसे बचाना होगा। फिर वीस कहते हैं, रुको गोकू मैं जरा देखता हूँ। फिर वीस वेजिटा की शक्ति को महसूस करने लगते हैं, लेकिन वेजिटा की शक्ति को वीस महसूस नहीं कर पा रहे थे। फिर वीस कहते हैं, मुझे वेजिटा की शक्ति बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही है, शायद वो कोई और डायमेंशन में है। फिर गोकू कहता है, मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। फिर गोकू वहाँ से चला जाता है और फिर वो बुलमा के पास जाता है और बोलता है, बुलमा मुझे तुम्हारे ड्रैगन बॉल चाहिए। बुलमा बोलती है, क्या हुआ गोकू, आखिर क्या बात है? गोकू बोलता है, बुलमा वेजिटा टाइम चेंबर के अंदर फंस चुका है और वो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि टाइम चेंबर का दरवाजा टूट चुका है। बुलमा बोलती है, क्या तो अब हम क्या करेंगे गोकू? गोकू बोलता है, मुझे जल्दी से ड्रैगन बॉल दो, शायद शेनरॉन हमारी कुछ मदद कर दें। फिर गोकू शेनरॉन को शमन करता है। फिर शेनरॉन बोलता है, मैं तुम्हारी कोई एक इच्छा पूरी करूंगा। गोकू कहता है, शेनरॉन क्या आप वेजिटा को यहाँ पर ला सकते हैं? शेनरॉन थोड़ा सोचता है और फिर कहता है,
वेजिटा किसी और डायमेंशन में है, मैं उसे यहाँ पर नहीं ला सकता। तुम्हारी कोई और इच्छा? गोकू कहता है कि क्या आप मुझे वेजिटा के पास भेज सकते हैं शेनरॉन? फिर शेनरॉन कहता है, नहीं, मैं तुम्हें उस डायमेंशन में नहीं भेज सकता। फिर बुलमा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, तुम्हें वेजिटा को यहाँ पर लाना ही होगा ड्रैगन। फिर गोकू बोलता है, शांत हो जाओ बुलमा। फिर शेनरॉन बोलता है, और कोई इच्छा? फिर गोकू बोलता है, नहीं, अलविदा। ये कहकर शेनरॉन वहाँ से चला जाता है। फिर गोकू बुलमा से बोलता है कि अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है बुलमा, हमें वेजिटा के मरने का इंतजार करना होगा। बुलमा बोलती है, क्या तुम पागल हो गए हो गोकू, ये तुम क्या बोल रहे हो? गोकू बोलता है, मेरी बात ध्यान से सुनो बुलमा, हमें जितनी कोशिश करनी थी हमने कर ली, वेजिटा उस डायमेंशन से बाहर नहीं आ सकता। कुछ और दिनों के बाद हम शेनरॉन को दोबारा समन करेंगे। फिर हमें वेजिटा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो उससे कहता है, देखो वेजिटा, सभी लोग तुम्हारे मरने का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि तुम कितने कमजोर हो। तुमने आज तक किसी भी विलन को नहीं मारा वेजिटा, फ्रीजा को गोकू ने मारा, यहाँ तक कि सेल को उसके बेटे गुहान ने मारा, और जहाँ तक की बारी आई मार्जिन बू की तो उसे भी गोकू ने ही मारा था। टूर्नामेंट ऑफ पावर में जिरेन को भी गोकू और फ्रीजा ने मिलकर हराया था। तुम तो पहले ही बाहर हो चुके थे, तुमने क्या किया? सिर्फ अपने सर पर सैयन प्रिंस का नाम लगाकर घूम रहे हो। खुद को पहचानो वेजिटा, अपने अंदर के गुस्से को जगाओ। तुम सभी सैयन के राजकुमार हो और ये सारे के सारे सैयन तुम्हारे कदमों में होने चाहिए, यहाँ तक कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी। फिर देखते ही देखते 2 महीने बीत जाते हैं। फिर से शेनरॉन को समन किया जाता है। शेनरॉन बोलता है, मैं तुम्हारी कोई एक इच्छा पूरी करूंगा। गोकू बोलता है, वेजिटा को अर्थ पर ले आओ शेनरॉन। फिर शेनरॉन कहता है, मैं ये नहीं कर सकता। गोकू बोलता है, क्या? शेनरॉन कहता है, वेजिटा अभी भी जिंदा है। गोकू सोचता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? टाइम चेंबर में तो कब का सारा खाने पीने का सामान खत्म हो चुका होगा, तब ये कैसे हो सकता है? फिर हमें वेजिटा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वेजिटा पूरी तरह से तैयार होता है और अपने पावर को अप करने लगता है, और पावर को अप करते करते वेजिटा एक पोर्टल को क्रिएट कर लेता है और फिर वहाँ से वो निकल जाता है। इधर गोकू डेंडे से मिलने के लिए कामे प्लेस जा रहा होता है और तभी गोकू को एक आवाज सुनाई देती है, कैसे हो, क्या करोट? गोकू ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो देखता है वेजिटा। फिर गोकू से कहता है, क्या हुआ क्या करोट, क्या तुम मुझे देखकर चौंक गए? आखिर मैं वहां से बचकर वापस कैसे आ गया? टाइम चेंबर का तो दरवाजा टूट चुका था, तो मैं वहां से आखिर बचकर वापस कैसे आ गया, और मैं वहां पर इतने दिनों से क्या कर रहा था? फिर गोकू बोलता है, वेजिटा तुम जिंदा हो। फिर वेजिटा बोलता है, ओह तो तुम मेरा मरने का इंतजार कर रहे थे। फिर गोकू बोलता है, नहीं वेजिटा, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वेजिटा बोलता है, तो फिर क्या बात है? फिर गोकू बोलता है, टाइम चेंबर का दरवाजा टूटने के बाद हम काफी परेशान हो गए थे, हमने ड्रैगन शेनरॉन को भी बुलाया था लेकिन वो हमारी मदद नहीं कर पाए, यहाँ तक कि मैंने वी से भी मदद मांगी लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। तुम्हें देखकर बुलमा काफी खुश होगी वेजिटा, अब चलो घर चलते हैं। फिर वेजिटा बोलता है, इतनी भी जल्दी क्या है क्या कराट, अभी तो हिसाब बराबर करना बाकी है। इस पर गोकू बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है वेजिटा? फिर वेजिटा बोलता है, तुम जानते थे क्या कराट, मैं तुम्हारे उस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म से बहुत जल्द आगे निकल जाता, लेकिन तुमने मुझे उस टाइम चेंबर के अंदर बंद कर दिया ताकि मैं उस टाइम चेंबर के अंदर घुट घुट कर मर जाऊं। फिर गोकू बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो वेजिटा, मैं तो खुद उसे ढूंढ रहा हूँ जिसने उस टाइम चेंबर के दरवाजे को तोड़ा था। फिर वेजिटा बोलता है, और वो मेरे सामने खड़ा है। फिर गोकू बोलता है, क्या? हाँ वो तुम हो। फिर हमें गुहान का सीन दिखाया जाता है, गुहान लॉर्ड बीरस के प्लैनेट पर ट्रेनिंग कर रहा था, तभी गुहान को एक अजीब सी शक्ति महसूस होती है। गुहान कहता है, आखिर ये कैसी शक्ति है, ये तो बहुत डरावनी है। तभी लॉर्ड बीरस गुहान से कहते हैं, तुम्हारा ध्यान कहाँ है बेवकूफ, ऐसी ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं होने वाला, मैं तुम्हारे पोटेंशियल को जानता हूँ और मुझे ये भी पता है जब सब हार चुके थे
तब तुमने उस मॉन्स्टर सेल को एक ही हाथ से हराया था। मुझे पता है कि सेल मेरे सामने एक मच्छर के समान है, लेकिन तुमने उसे अपनी पूरी ताकत से हराया था। गोहान, अपने अंदर के पोटेंशियल को जगाओ, तुम गोकू और वेजिटा से बेहतर बन सकते हो। फिर गोहान बोलता है, जी लॉर्ड बीरस, मैं अपनी ट्रेनिंग पर पूरा ध्यान दूंगा और एक ताकतवर सैयन बनूंगा। फिर लॉर्ड बीरस बोलते हैं, ये हुई ना बात, चलो ट्रेनिंग शुरू करते हैं। फिर गोहान और लॉर्ड बीरस ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। इधर हम देखते हैं कि वो वेजिटा को बोलता है, अब यही मौका है वेजिटा, उस सैयन से अपना बदला ले लो। इसने तुम्हें हर वक्त नीचा दिखाया है, इसे दिखा दो कि तुम एक असली सैयन प्रिंस हो। फिर वेजिटा बोलता है, मुझे पता है, मुझे हुक्म देना बंद करो। फिर गोकू बोलता है, क्या हुक्म? फिर गोकू का ध्यान वेजिटा के सर पर जाता है, तो वो देखता है और बोलता है, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, वेजिटा बाबेडी के कब्जे में है, लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है, वो तो कब का मर चुका था ना। फिर गोकू वेजिटा से बोलता है, वेजिटा, तुम बाबेडी का हुक्म क्यों मान रहे हो और वो जिंदा कैसे बच गया? मैं किसी का हुक्म नहीं मान रहा, मैं बस यहाँ पर तुम्हें मारने आया हूँ, और तुम्हें मारने के बाद मैं इस यूनिवर्स 7 का सबसे ताकतवर वॉरियर बन जाऊंगा। फिर गोकू बोलता है, ये आखिर तुम क्या बोल रहे हो वेजिटा, तुम तो पहले ऐसे नहीं थे। फिर वेजिटा बोलता है, किसने कहा, मैं तो तुम्हें पहले ही दिन से मारना चाहता था कैकराट, बस मुझे वो वक्त का इंतजार था, जब भी मैं तुमसे आगे निकलने की कोशिश करता तुम हमेशा से मुझसे एक कदम आगे ही रहते। मैंने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की है ताकि मैं तुम्हें एक दिन मार सकूं, लेकिन हर बार तुम मुझसे आगे निकल जाते थे। जब लॉर्ड बीरस धरती पर आए थे तो मुझे लगा था कि मेरा सपना अब पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं लॉर्ड बीरस के हाथों मरने वाला था, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया, मुझे तुम्हारे एहसान नहीं चाहिए। और फिर जब वो लड़ाई खत्म हुई तो मैंने वीस से ट्रेनिंग के लिए उनसे भीख मांगी ताकि मैं तुम्हें मार सकूं। वीस मान भी गए। लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पर मुझे 2 महीने तक ट्रेनिंग के नाम पर मुझे नौकर बनाया गया, और फिर मैं देखता हूँ कि वीस तुम्हें भी लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पर ले आते हैं। मुझे ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आया था, क्योंकि तुम भी अब एक गॉड लेवल की ट्रेनिंग का हिस्सा बन चुके थे। मैंने अपनी ट्रेनिंग और बढ़ा दी, लेकिन उसका क्या हुआ, टूर्नामेंट ऑफ पावर में मैं बाहर हो गया। तुमने और फ्रीजा ने मिलकर यूनिवर्स 7 को बचाया। तुम सोच भी नहीं सकते क्या कराट कि एक सैयन प्रिंस के लिए ये कितनी शर्म की बात है। एक प्रिंस के रहते हुए भी उसके लोगों को कोई और बचाए, ये कितनी शर्म की बात है, तुम्हें नहीं पता क्या कराट। और आज मैं अपना वर्षों का बदला तुमसे जरूर लूंगा, तो तैयार हो जाओ क्या कराट। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वेजिटा अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। उसके बाद फिर गोकू भी बोलता है कि अब मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं बचा है वेजिटा। फिर गोकू भी सुपर सैयन में बदल जाता है। फिर इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। वेजिटा गोकू पर भारी पड़ रहा था, और फिर वो वेजिटा को बोलता है, बहुत खूब वेजिटा, इस नीचे स्तर के सैयन को खत्म कर दो। फिर वेजिटा बोलता है, मैंने कहा ना, मुझे हुक्म देना बंद करो। गोकू काफी थक चुका था। फिर वेजिटा गोकू को अपनी शक्ति से बांध देता है और बोलता है, क्या हुआ कैकराट, क्या तुम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में नहीं बदलोगे? अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं इस बार तुम्हें मारने में देरी नहीं करूंगा। फिर गोकू गुस्सा हो जाता है और वेजिटा पर एक जोरदार हमला करता है। फिर वेजिटा बोलता है, ये हुई ना बात। फिर गोकू सुपर सैयन ब्लू में बदल जाता है और बोलता है, वेजिटा, मैं तुम्हें जरूर वापस लाऊंगा मेरे दोस्त। वेजिटा हंसने लगता है और बोलता है, मैं और वो भी तुम्हारा दोस्त, तुम एक नीचे स्तर के सैयन हो और मैं सभी सैयन का प्रिंस, प्रिंस वेजिटा। इसके बाद ही वेजिटा गोकू पर हमला कर देता है। गोकू वेजिटा के खिलाफ काफी कमजोर पड़ रहा था। उसके बाद फिर गोकू कायोकेन का इस्तेमाल करता है और कामयाहा से वेजिटा पर हमला करता है, लेकिन वेजिटा सुपर सैयन फॉर्म में ही उसे बहुत आसानी से रोक लेता है। गोकू ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि वेजिटा आखिर सुपर सैयन फॉर्म में ही इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है, नामुमकिन। फिर वेजिटा गोकू को एक जोरदार पंच मारता है और गोकू नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। फिर वेजिटा गोकू से कहता है, अब तुम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल मरने के बाद करोगे क्या कराट। इसके बाद वेजिटा बिना देर किए अपना स्पेशल मूव मार देता है, फाइनल स्लैश।
फिर वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। धुआं के हटने के बाद हम देखते हैं कि गोकू वहाँ पर नहीं होता है। वेजिटा को लगता है कि गोकू मर गया, लेकिन गोकू अचानक से वेजिटा के पीछे आ जाता है और बोलता है, मुझे मारना इतना भी आसान नहीं है वेजिटा। मुझे पता था कि तुम इतनी आसानी से तो मरने वाले नहीं हो कैकराट, अपनी पूरी ताकत से लड़ना। उसके बाद फिर गोकू वेजिटा पर हमला करने लगता है। गोकू वेजिटा को इस बार छू तक नहीं पा रहा था। गोकू हैरान हो जाता है कि वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में भी वेजिटा को छू तक नहीं पा रहा, जबकि वेजिटा सिर्फ अपने सुपर सैयन फॉर्म में ही होता है। वेजिटा सुपर सैयन फॉर्म में ही गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का मुकाबला कर ले रहा था। फिर गोकू मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में बदल जाता है और अपना सबसे पावरफुल हमला कामेहामेहा से वेजिटा पर हमला करता है। फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा धमाका होता है। फिर गोकू देखता है कि वेजिटा वहाँ पर नहीं होता। गोकू को लगता है कि वेजिटा मारा गया। फिर गोकू बोलता है, मैंने शायद कुछ ज्यादा ही पावर लगा दी। ये मैंने क्या कर दिया, मैंने वेजिटा को मार दिया। मैं तो बस उसके साथ ट्रेनिंग कर रहा था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं ये नहीं करना चाहता था। हो सके तो मुझे माफ कर देना वेजिटा। फिर पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है कैकराट। गोकू ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और काफी खुश भी होता है और बोलता है, वेजिटा तुम जिंदा हो। फिर वेजिटा बोलता है, तो क्या मैं इतने छोटे से हमले से मर जाऊंगा। गोकू मन ही मन बोलता है, मैंने तो अपनी पूरी ताकत लगाई थी। फिर वेजिटा बोलता है, मैंने अपनी शक्ति का सिर्फ 1% ही लगाया है। गोकू ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, सिर्फ 1%, लेकिन मैंने तो अपनी पूरी ताकत लगाई थी। आखिर वेजिटा कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। इसके बाद वेजिटा फिर गोकू को एक जोरदार पंच मारता है। गोकू वेजिटा को देख नहीं पाता और फिर गोकू जमीन पर गिर जाता है। फिर वेजिटा हंसने लगता है और बोलता है, आखिरकार मैंने तुम्हारे उस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मात दे ही दिया और अब तुम्हारा खेल यहीं पर खत्म होता है कैकराट। वेजिटा गोकू पर बिग बैंग अटैक कर देता है। बिग बैंग अटैक! और फिर वेजिटा वहां से चला जाता है और फिर वेजिटा को ट्रंक्स और गोटेन मिलते हैं। ट्रंक्स बोलता है, डैड आप कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। फिर वो बोलता है, इसे खत्म कर दो वेजिटा। फिर वेजिटा बोलता है, नहीं ये मेरा बेटा है, मैं ये नहीं कर सकता। फिर वो बोलता है, ये एक कमजोर सैयन है और तुम एक सुपीरियर सैयन बन चुके हो। तुम इन कमजोरों की सेना का प्रिंस बनोगे बेवकूफ, इसे मार डालो। फिर वेजिटा बोलता है, नहीं मैं ये नहीं करूँगा। फिर ट्रंक्स बोलता है, ये आपको क्या हो रहा है डैड। फिर वेजिटा बोलता है, ट्रंक्स तुम यहाँ से जितनी हो सके उतनी दूर चले जाओ। ट्रंक्स बोलता है, लेकिन डैड। वेजिटा बोलता है, जल्दी जाओ बेवकूफ वरना। फिर गोटेन वेजिटा के सामने आ जाता है। वेजिटा गोटेन को एक जोरदार पंच मार देता है और फिर गोटेन वहीं पर बेहोश हो जाता है। ट्रंक्स ये देख करके काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर वहां से वो भागने लगता है। तभी वेजिटा ट्रंक्स पर हमला कर देता है और वो हमला ट्रंक्स को लगने ही वाला होता है। तभी उस हमले की दिशा बदल जाती है और हम देखते हैं वो फ्यूचर ट्रंक्स होता है। हम देखते हैं कि ट्रंक्स वहां पर आ जाता है और वो बोलता है, डैड आप ये क्या कर रहे हैं, क्या आप पागल हो गए हैं, आप अपने बेटे को ही मारने जा रहे हैं, क्या हो गया है आपको। फिर वो बोलता है, ओह तो ये भी तुम्हारा ही बेटा है, ये काफी बड़ा हो गया है, यानी कि ये ताकतवर भी हो चुका होगा, तो चलो देखें ये आखिर कितना ताकतवर है। फिर ट्रंक्स बोलता है, क्या हुआ डैड, आपने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया, आखिर क्या हो गया है आपको। इस पर फिर वेजिटा बोलता है, ट्रंक्स क्या तुम में इतनी ताकत है कि तुम अपनों को बचा सको। इस पर फिर ट्रंक्स बोलता है, आपके कहने का मतलब क्या है डैड। फिर वेजिटा हंसने लगता है और उस बच्चे ट्रंक्स पर हमला कर देता है। फिर ट्रंक्स बोलता है, नहीं। और फिर ट्रंक्स उस हमले की डायरेक्शन को बदल देता है और फिर ट्रंक्स बोलता है, ये मेरे डैड नहीं हो सकते, ये जरूर ब्लैक की कोई तरकीब है, लेकिन मुझे डैड को वापस लाना ही होगा। फिर ट्रंक्स का ध्यान वेजिटा के सर पर जाता है और फिर वो देखता है कि वेजिटा के सर पर M का निशान होता है। ट्रंक्स कुछ समझ नहीं पाता और वो बोलता है, डैड आखिर आपके सर पर ये कैसा निशान है। इस पर वो बच्चा ट्रंक्स बोलता है, हमारे डैड मार्जिन बू के कब्जे में है। इस पर फिर ट्रंक्स बोलता है, क्या मार्जिन बू, कहीं तुम वही बू के बारे में तो नहीं बोल रहे।
जिसने कायोशिन को मारा था, मैंने उसके बारे में सुना है। इस पर फिर वेजिटा बोलता है, मैंने तुम दोनों की बकवास बहुत सुन ली, अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर ट्रंक्स उस बच्चे ट्रंक से बोलता है, तुम पीछे हट जाओ, इन्हें मैं देखता हूँ। फिर हम देखते कि ट्रंक सुपर सैयन में बदल जाता है। फिर हमें फ्रीजा का सीन दिखाया जाता है। फ्रीजा एक हेल्थ चैम्बर में होता है। टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद फ्रीजा ने भी काफी ट्रेनिंग की थी और अब फ्रीजा के पास एक नया फॉर्म था। फिर हम देखते हैं कि अचानक से वो चैम्बर टूट जाता है और फ्रीजा उसमें से बाहर निकल जाता है। और फिर फ्रीजा बोलता है, वाह, अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गया। फिर फ्रीजा अपने सैनिक से उन सैयन के बारे में पूछता है और बोलता है, तो बताओ आखिर वो सभी बंदर इस वक्त कहाँ हैं? उनमें से फिर एक सैनिक बोलता है, हमने उन पर नजर नहीं रखी माय लॉर्ड, क्योंकि हमारा सामना यहाँ पर एक मॉन्स्टर से हो रहा था और इसलिए हम उन सैयन पर ध्यान नहीं दे पाए। फिर फ्रीजा अपने सैनिक को सजा देने लगता है। फिर वो बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए माय लॉर्ड, ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। फिर फ्रीजा स्पेसशिप के ग्लास को तोड़ देता है और कुछ सैनिक स्पेस में आ जाते हैं। फिर उनमें से एक सैनिक बोलता है, मैं अभी आपको उनके बारे में बताता हूँ माय लॉर्ड। फिर वो एक टैबलेट निकाल करके बोलता है, बताइए माय लॉर्ड, आपको किस सैयन के बारे में जानना है? फ्रीजा फिर बोलता है, प्लैनेट अर्थ का सबसे मशहूर बंदर कैकरोट को दिखाओ। फिर वो बोलता है, जी माय लॉर्ड। वो कैकरोट को चारों तरफ ढूंढता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखता। फिर वो बोलता है, माफ कीजिए माय लॉर्ड, लेकिन मुझे शायद लगता है कि वो मारा जा चुका है। इस पर फ्रीजा बोलता है, बकवास बंद करो बेवकूफ, वो बंदर ऐसे ही नहीं मर सकता। जिसने जिरेन जैसे ताकतवर योद्धा को हराया हो वो इतनी जल्दी तो नहीं मर सकता। हो सकता है शायद वो लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पर गया हो और ये तुम्हारा घटिया सा डिवाइस उस तक पहुंच नहीं पा रहा। फिर वो बोलता है, नहीं माय लॉर्ड, ये डिवाइस यूनिवर्स 7 के सभी वॉरियर को डिटेक्ट कर सकता है। इस पर फ्रीजा बोलता है, इससे अच्छा तो हमारा स्काउटर है, कम से कम वो योद्धाओं की शक्ति को तो माप सकता है। फिर फ्रीजा बोलता है, खैर मुझे वो दूसरा बंदर दिखाओ। फिर वो बोलता है, जी लॉर्ड फ्रीजा। फिर फ्रीजा बोलता है, वो सैयन प्रिंस वेजिटा बेवकूफ। फिर वो बोलता है, ओह ठीक है माय लॉर्ड फ्रीजा। फ्रीजा ये देख करके चौंक जाता है कि वेजिटा अपने बेटे से ही लड़ाई कर रहा है। फिर फ्रीजा बोलता है, ये मजेदार है। फिर हमें वेजिटा का सीन दिखाया जाता है। वेजिटा बोलता है, ओह ट्रंक्स, क्या तुम अपने पिता को ही मारोगे? ट्रंक्स मन ही मन बोलता है, डैड की आवाज में भी बदलाव आ चुकी है, ये मेरे डैड नहीं हो सकते, मुझे मेरे डैड को बचाना ही होगा। लेकिन रुको जरा, यहाँ पर इतना कुछ हो गया तो गोकू कहाँ है? फिर वो बच्चा ट्रंक्स बोलता है, डैड ने गोकू को मार दिया है। इस पर फिर गुस्सा होकर के ट्रंक्स बोलता है, तुम मॉन्स्टर, तुमने गोकू को मार दिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस पर फिर वेजिटा बोलता है, ओह तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तो क्या अब तुम अपने पिता को मारने वाले हो? क्या तुम्हें पता है बच्चे, तुम इंसानों की यही दिक्कत है, वो बहुत जल्द इमोशनल हो जाते हैं और दूसरों पर रहम कर देते हैं। तुम एक प्योर सैयन नहीं हो ट्रंक्स, प्योर सैयन मैं हूँ, एक असली सैयन प्रिंस, जो कमजोरों का विनाश करता है और ताकतवर सैयन को ही अपना साथी बनाता है। इस पर फिर ट्रंक्स बोलता है, गोकू भी तो प्योर सैयन है, लेकिन उसने तो ऐसा कभी नहीं किया। इस पर फिर वेजिटा बोलता है, क्योंकि वो इंसानों के साथ रहकर ऐसा बन गया, वो अपनी असली मकसद को भूल गया। कैकरोट को प्लेनेट अर्थ पर कब्जा करने के लिए भेजा गया था, लेकिन उसने क्या किया, उसने इस धरती को ही अपना घर बना लिया। और जहाँ तक की बात रही तुम्हारी, तो तुम में आधे इंसान और आधे सैयन का खून है, और तुम्हें तो पता ही है ना ट्रंक्स कि इंसान कितने कमजोर होते हैं। फिर ट्रंक्स बोलता है, मैं आपको इंसानों की असली ताकत दिखाता हूँ। ट्रंक्स वेजिटा पर हमला तैयार करने लगता है। फिर वेजिटा बोलता है, मुझे पता है तुम अपने पिता पर हमला नहीं करोगे। इस पर फिर ट्रंक्स बोलता है, आपको गलत लगता है, मैं तुम्हें मिटा कर रख दूंगा मार्जिन बू। उसके बाद फिर ट्रंक्स वेजिटा पर हमला कर देता है। फिर वेजिटा बहुत दूर जाकर के एक पानी में गिरता है और फिर वेजिटा बोलता है, उसने सच में हमला कर दिया, लगता है अब इसमें मजा आने वाला है। ट्रंक्स फिर उस बच्चे ट्रंक्स को बोलता है, तुम गोटेन को लेकर के यहाँ से चले जाओ। फिर वो बच्चा ट्रंक्स गोटेन को लेकर के वहाँ से चला जाता है। फिर वेजिटा बोलता है, वाह ये हुई ना असली सैयन वाली बात, अब आएगा मजा। फिर ट्रंक्स बोलता है, मुझे और जोर लगाना होगा। फिर ट्रंक्स की ब्लास्ट से हमला करने लगता है और वहाँ पर फिर धुआं ही धुआं हो जाता है। फिर अचानक से वेजिटा ट्रंक्स को एक जोरदार किक मारता है
और फिर ट्रंक्स बेहोश हो जाता है। इस पर फिर वेजिटा हंसने लगता है और बोलता है, मेरे एक ही किक में तुमने दम तोड़ दिया। ट्रंक्स तुम कितने कमजोर हो, मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा कहने पर। फिर ट्रंक्स उठने लगता है और बोलता है, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। इस पर फिर वेजिटा बोलता है, अब तुम क्या करने वाले हो। ट्रंक्स बोलता है, अभी दिखाता हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा लॉर्ड टेंजन, मुझे इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ट्रंक्स पावर अप करने लगता है और सुपर सैयन ब्लू में बदल जाता है। इस पर फिर वेजिटा बोलता है, ओह तो इसके पास भी सुपर सैयन ब्लू की ताकत है। फिर ट्रंक्स बोलता है, अब देखिए एक असली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ताकत। वेजिटा बोलता है, क्या गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये आखिर क्या बोल रहा है। फिर ट्रंक्स बोलता है, तो तैयार हो जाइए डैड, ये है एक असली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ताकत। और फिर हम देखते हैं कि ट्रंक्स गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में बदल जाता है। वेजिटा ये देख करके चौंक जाता है कि ट्रंक्स एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका है, ऐसा कैसे हो सकता है। हम देखते हैं कि ट्रंक्स के दोनों हाथ में बड़े बड़े तलवार आ चुके थे। फिर ट्रंक्स बोलता है, अब इससे बचकर दिखाइए डैड। ट्रंक्स वेजिटा पर अटैक कर देता है, वेजिटा बहुत दूर जाकर के गिरता है। फिर ट्रंक्स बोलता है, आप इसका सामना नहीं कर पाएंगे, हार मान लीजिए डैड। फिर वेजिटा तुरंत वहां पर आ जाता है और बोलता है, तुम्हारे हमले में दम नहीं था, थोड़ा और जोर लगाओ। ट्रंक्स बोलता है, ठीक है अब आप इससे बचकर दिखाइए। फिर हम देखते हैं वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर ट्रंक्स बोलता है, इस हमले से वो बच नहीं सकते। फिर हम देखते हैं कि वेजिटा ट्रंक्स के पीछे आ जाता है और बोलता है, ये हमला थोड़ा दमदार था, तो क्या तुम इतना ही कर सकते हो ट्रंक्स। फिर ट्रंक्स बोलता है, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है डैड। फिर वेजिटा बोलता है, तो तुम अपनी पूरी ताकत क्यों नहीं लगाते। फिर ट्रंक्स बोलता है, ठीक है डैड तैयार हो जाइए, लेकिन आप इस हमले का सामना नहीं कर पाएंगे। डैड आप वही मौका मुझे दे रहे हैं जो मौका आपने सेल को दिया था। फिर वेजिटा अपने पास्ट को याद करता है और मन ही मन बोलता है, क्या मैं गलती तो नहीं कर रहा। फिर वो बोलता है, सैयन प्रिंस को आखिर किस बात का डर है वेजिटा। फिर वेजिटा ट्रंक्स को बोलता है, एक सैयन प्रिंस अपने विरोधी की ताकत से कभी नहीं डरता, समझे। फिर ट्रंक्स बोलता है, ये आपकी आखिरी भूल होगी डैड। फिर ट्रंक्स वेजिटा पर वो हमला कर देता है। क्रिम्सन फायर ड्रैगन ब्ले। वो हमला इतना जोरदार होता है कि वेजिटा देख करके चौंक जाता है और वो सीधा वेजिटा को लगता है। फिर वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है, उस धमाके के कारण आधा प्लेनेट खत्म हो जाता है। फिर ट्रंक्स बोलता है, आखिरकार ये लड़ाई खत्म हुई, आपको ये मौका मुझे नहीं देना चाहिए था डैड, खैर मुझे अब सब कुछ ठीक करना होगा। फिर ट्रंक्स को पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, कहां जा रहे हो ट्रंक्स। ट्रंक्स फिर ये देखकर चौंक जाता है और बोलता है, ये नहीं हो सकता, इतना खतरनाक हमले से डैड आखिर कैसे बच सकते हैं। फिर वेजिटा बोलता है, अब मेरी बारी है, तो तैयार हो जाओ ट्रंक्स। फिर वेजिटा अपना हमला तैयार करने लगता है। वेजिटा फाइनल फ्लैश तैयार कर रहा था और वो बोलता है, तो तैयार हो जाओ ट्रंक्स इस हमले को झेलने के लिए। फिर ट्रंक्स बोलता है, ये तो पूरा प्लेनेट को ही तबाह कर देगा, मुझे कुछ करना होगा। फिर ट्रंक्स गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फॉर्म में आ जाता है और बोलता है, मैं ये नहीं होने दूंगा, इस बार तो बिल्कुल भी नहीं। ट्रंक्स भी अपना हमला तैयार करने लगता है और फिर बोलता है, डैड मैं आपके इस हमले को आपके ही हमले से रोकूंगा। फिर वो दोनों अपना अटैक कर देते हैं। फाइनल स्मैश। दोनों में बहुत जोरदार टक्कर हो रही थी। ट्रंक्स अपनी पूरी ताकत लगा रहा था और वेजिटा भी अपनी ताकत लगा रहा था। फिर वेजिटा हंसने लगता है। तुम मेरे इस हमले को मेरे ही हमले से रोकोगे। फिर हम देखते कि वो हमला ट्रंक्स की तरफ बहुत तेजी से आ रहा था। मैं इसे नहीं संभाल सकता, लेकिन मैं इस धरती को तबाह नहीं होने दूंगा।
चाहे जो हो जाए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। फिर हम देखते हैं कि वो हमला वेजिटा की तरफ बढ़ने लगता है। फिर वेजिटा बोलता है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत खेल लिया ट्रंक्स, अब तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। फिर हम देखते हैं कि वो अटैक बहुत तेजी से ट्रंक्स की तरफ बढ़ रहा था, और फिर हम देखते हैं कि अचानक से उस अटैक की डायरेक्शन बदल जाती है। वो दोनों देख करके ये चौंक जाते हैं कि आखिर ये किसने किया। फिर हम देखते हैं कि वो जामासु होता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि जामासु वेजिटा से कहता है, तुम इसे नहीं मार सकते, ये मेरा शिकार है। वेजिटा ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुमने क्या कहा जामासु, आखिर तुम जिंदा कैसे बच गए, तुम्हें तो ज़ेनोसामा ने खत्म कर दिया था ना। इस पर जामासु हंसते हुए कहता है, ओ वो ज़ेनोसामा, ना मैं मरा ही कब था, और अब मुझे कोई भी नहीं मार सकता। तुम लोग मुझे पहले वाले जामासु मत समझो, क्योंकि मैं अब पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। इस पर वेजिटा हंसते हुए बोलता है, तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो जाओ जामासु, लेकिन अब तुम मेरे सामने टिक नहीं पाओगे, और वैसे भी मैंने अब तक किसी भी गॉड को नहीं मारा, और मेरे गॉड किलर के लिस्ट में तुम सबसे पहले होगे। कोशिश करके देख लो सैयन। इधर हम देखते हैं कि गोहान लॉर्ड बेरस के साथ न्यू फॉर्म को अचीव कर लेता है। लॉर्ड बेरस ये देखकर चौंक जाते हैं और बोलते हैं, वाह आखिरकार तुमने एक न्यू फॉर्म को अचीव कर लिया गोहान, चलो अब इस फॉर्म की ताकत को टेस्ट करते हैं। इस पर गोहान बोलता है, क्यों नहीं लॉर्ड बेरस। फिर हम देखते हैं कि गोहान लॉर्ड बेरस से लड़ना शुरू कर देता है। गोहान लॉर्ड बेरस पर अटैक किए जा रहा था और बोलता है, क्या हुआ लॉर्ड बेरस, क्या मैंने कुछ ज्यादा ही जोर लगा दिया। लॉर्ड बेरस बोलते हैं, तुम्हें कुछ तो बात है गोहान। इस पर गोहान बोलता है, तो आप अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। लॉर्ड बेरस कहते हैं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको आपके असली ताकत पर आने पर मजबूर कर दूंगा। लॉर्ड बेरस हंसते हुए बोलते हैं, चलो देखते हैं। इधर हम देखते हैं कि वेजिटा और जामासु में लड़ाई हो रही थी। जामासु बोलता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इसे खत्म नहीं कर पाऊंगा। फिर इस पर वेजिटा बोलता है, क्या हुआ यूनिवर्स 7 के गॉड, क्या तुम में बस इतना ही दम था, इतनी शक्ति तो किसी भी सैयन बच्चों के पास होती है। इस पर फिर जामासु मन ही मन बोलता है, ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, क्यों ना मैं इसे अपनी टाइमलाइन में बुलाऊं, ये वहां से कभी वापस भी नहीं जा पाएगा, और वैसे भी मैं अपने टाइमलाइन में बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता हूँ। फिर वेजिटा बोलता है, तो क्या अब तुम सैयन प्रिंस के सामने घुटने टेकने वाले हो जामासु, तुम खुद को बहुत ही ज्यादा ताकतवर समझते हो ना, अगर तुम इतने ही ताकतवर हो तो क्यों ना तुम मुझे मेरे टाइमलाइन में हरा कर दिखाओ। इस पर फिर ट्रंक्स बोलता है, नहीं डैड ऐसा मत कीजिए, वो आपको भड़काने की कोशिश कर रहा है। वेजिटा बोलता है, क्या मजाक है, जब तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है तब तुम मुझसे डर कर भागना चाहते हो। इस पर जामासु कहता है, मैं यहाँ पर अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अपनी आधी शक्ति अपने टाइमलाइन में सील कर कर रखी है। इस पर फिर से ट्रंक्स कहता है, डैड अगर आप वहाँ पर गए तो आप वहाँ से फिर कभी वापस नहीं आ पाएंगे। फिर हम देखते हैं कि जामासु ट्रंक्स पे की ब्लास्ट से हमला कर देता है, और तभी वेजिटा उस की ब्लास्ट को नष्ट कर देता है और बोलता है, मैं तैयार हूँ। जामासु फिर मन ही मन बोलता है, ये हुई ना बात। इस पर ट्रंक्स बोलता है, डैड आप ऐसा मत कीजिए, आप नहीं जानते आप क्या कर रहे हैं, जामासु बहुत ही ज्यादा चालाक है। इस पर वेजिटा गुस्से में आकर के ट्रंक्स को बोलता है, तुम चुप रहो ट्रंक्स, और मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है, बोलो जामासु मुझे क्या करना होगा। जामासु बोलता है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, बस मेरे कंधे पर हाथ रखना है, और उसके बाद फिर हम अपनी दुनिया में आ जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि वेजिटा जामासु के पास आ जाता है। वेजिटा जामासु के कंधे पर अपना हाथ रखता है और फिर जामासु के टाइमलाइन में चला जाता है। इस पर ट्रंक्स बोलता है, ये आपने क्या कर दिया डैड। फिर हम देखते हैं कि गोटेन और ट्रंक्स फ्यूचर ट्रंक्स के पास जाता है और फ्यूचर ट्रंक्स को एक सिंजो बीन देता है।
फिर ट्रंक्स उसे खा लेता है और वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। फिर ट्रंक्स बोलता है, अब इस धरती की रक्षा हमें ही करनी होगी जब तक कि सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। फिर हम देखते हैं कि ये सब लोग बुलमा के पास जाते हैं और ट्रंक्स बुलमा से बोलता है, मॉम क्या आपके पास ड्रैगन बॉल है? बुलमा बोलती है, मेरे पास सिर्फ 6 ड्रैगन बॉल हैं और 7वां ड्रैगन बॉल पता नहीं क्यों स्काउटर पकड़ नहीं पा रहा है। क्या? हाँ, ट्रंक्स मन ही मन बोलता है, कहीं वो मेरे हमले से ड्रैगन बॉल खत्म तो नहीं हो गया। ट्रंक्स बुलमा से बोलता है, मॉम क्या वो ड्रैगन बॉल उस हमले से तबाह तो नहीं हो गया ना? इस पर बुलमा बोलती है, नहीं ड्रैगन बॉल तबाह नहीं होते। हाँ, लेकिन अगर उसके बनाने वाले जिसने ड्रैगन बॉल को बनाया हो वो यदि किसी कारण मर जाए तब सारे ड्रैगन बॉल खत्म हो सकते हैं, लेकिन ये 6 ड्रैगन बॉल तो मेरे पास सुरक्षित हैं। तो एक और ड्रैगन बॉल कहाँ गया? हम देखते हैं कि वेजिटा जामासू के टाइमलाइन में चला जाता है। फिर जामासू अचानक से हंसने लगता है और बोलता है तुम बेवकूफ हो मॉर्टल, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुमने क्या कर दिया है। तुम अपने अकड़ में तुमने खुद को ही तबाह कर दिया है सयन, क्योंकि अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते और मैं तुम्हें यहाँ पर मारने नहीं वाला, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो तुम्हारे लोग तुम्हें ड्रैगन बॉल की मदद से जिंदा कर देंगे। और जहाँ तक की बात रही ड्रैगन की, तो वो किसी को भी इस टाइम लाइन में नहीं भेज सकता, क्योंकि ये मेरा अपना घर है। इस पर वेजिटा बोलता है, चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो जामासू, मैं तुम्हें तुम्हारे ही घर में मारूंगा। जामासू हल्के हंसते हुए बोलता है मैं तुम्हें कैसे बताऊं वेजिटा, यहाँ पर मैं रूल करता हूँ और यहाँ पर कोई भी ड्रैगन बॉल नहीं है जिससे कि तुम अपनी जान की विश मांग सको। फिर वेजिटा बोलता है यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है जामासू, कि तुमने अपने टाइमलाइन में ड्रैगन बॉल को नहीं रखा और यहाँ पर तुम्हें बचाने वाला भी कोई नहीं है। इस पर जामासू बोलता है, तुम्हें पता है कि तुम्हारी मौत नजदीक है, फिर भी तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, क्या तुम अपने डर को छुपा रहे हो? इस पर वेजिटा बोलता है, एक सैयन प्रिंस अपनी मौत से कभी नहीं डरता, वो हमेशा अपने लोगों के लिए जान देने को तैयार रहता है। ओह, मैंने देखा था वेजिटा कि तुम कैसे अपने ही लोगों को मारने जा रहे थे, और वो तो तुम्हारा अपना खून था ना। तुम तो बहुत ही अच्छे राजकुमार हो वेजिटा, बिल्कुल मेरी तरह। फिर वेजिटा बोलता है, मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ जो बेवजह लोगों की जान लेता है और खुद की कमजोरी को छुपाता है। इस पर जामासू बोलता है, चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं। देखो वेजिटा, अगर तुम मुझसे लड़ाई करोगे तो तुम मारे जाओगे, इससे अच्छा ये है कि क्यों ना तुम मेरे साथ मिल जाओ, हम मिलकर इस पूरे मल्टीवर्स पर राज करेंगे और सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल को अपने नीचे रखेंगे, क्यों, क्या कहते हो? इस पर वेजिटा बोलता है, तुम में इतनी ताकत है कि तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मार सको। इस पर जामासू बोलता है, तुम्हें क्या लगा जेनोसामा ने तुम मुझे इरेज कर दिया था ना, तो मैं आखिर कैसे बच गया? इस पर वेजिटा बोलता है, तो अब नहीं बचोगे ना। तुम्हारा क्या मतलब है वेजिटा? फिर वेजिटा हल्के मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं तुम्हारा ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं करूंगा, ये मेरे शान के खिलाफ है। और यही शान तुम्हें ले डूबेगी वेजिटा, वो तो हम लड़ाई के बाद ही देखेंगे जामासू कि कौन जिंदा रहता है। इस पर फिर जामासू कहता है, मुझसे जितना हुआ मैंने किया, लेकिन अगर तुम मरना ही चाहते हो तो ठीक है, लेकिन तुम अपनी पूरी ताकत लगाना, क्योंकि इस लड़ाई के बाद तुम्हें ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें उस शख्स को दिखाया जाता है जिसके पास ड्रैगन बॉल होता है, और वो शख्स और कोई नहीं बल्कि सेल होता है। हम देखते हैं कि सेल प्लैनेट अर्थ पर आ चुका था और वो बोलता है, बहुत वक्त हो गया मेरे टिश्यू को ताकतवर बनकर तैयार होने में। खैर, अब जब मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो क्यों ना मैं अपना बदला ले लूँ।
वैसे वो वक्त को गुजरे काफी समय हो चुका है। उन सबको लग रहा होगा कि मैं मर गया, लेकिन उन्हें क्या पता मैं उनकी मौत बनकर उनके पास आ रहा हूँ। फिर सेल उस ड्रैगन बॉल को देख करके बोलता है, लेकिन रुको जरा, आखिर ये क्या चीज है? मुझे ये बॉल काफी ताकतवर लग रहा है, क्यों ना मैं इसे खा लूं? फिर सेल उस ड्रैगन बॉल को खा लेता है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत तेज रोशनी होने लगती है। सेल बोलता है, आखिर ये क्या हो रहा है? मेरी ताकत तो बढ़ती ही जा रही है। और फिर वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर हमें सेल को दिखाया जाता है जो कि अब पूरी तरह से बदल चुका था, वो अब सुनहरे रंग का हो चुका था। फिर सेल बोलता है, आखिर वो बॉल था क्या और उसमें इतनी ताकत थी? सेल मन में सोचता है और बोलता है, उस बॉल में 7 स्टार थे, इसका मतलब 6 और बॉल बचे हैं। मुझे उसे ढूंढना होगा और मुझे पता है वो बॉल आखिर कहाँ मिलेंगे। मैं आ रहा हूँ गोहान, ये बोलकर सेल वहाँ से चला जाता है। फिर हमें फ्यूचर ट्रंक्स का सीन दिखाया जाता है। फ्यूचर ट्रंक्स बुलमा से बोलता है, मॉम अब हम ड्रैगन बॉल को ढूंढने जा रहे हैं, आप तब तक उन 6 ड्रैगन बॉल को संभाल कर रखिएगा, हम जल्दी उस ड्रैगन बॉल को ढूंढ कर आपके पास आ जाएंगे। ये बोलकर फ्यूचर ट्रंक्स, गोटेन और ट्रंक्स वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें वेजिटा का सीन दिखाया जाता है। वेजिटा बोलता है, तो चलो जामासू, सबसे पहले तुम अपना हमला करो, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम अपनी दुनिया में कितने ताकतवर हो। इस पर जामासू कहता है, वेजिटा तुम मेरे कोई भी हमले को झेल नहीं पाओगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले तुम हमला करो। वेजिटा फिर गुस्से में आकर के बोलता है, जोकर कहीं के, तुम मुझे अब गुस्सा दिला रहे हो और अगर मुझे ज्यादा गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह से मारूंगा। जामासू बोलता है, तुम्हें पता है वेजिटा, तुम सिर्फ बातों के राजकुमार हो, असल में तो तुम एक डरपोक हो जो कि हमेशा गोकू पर निर्भर रहता है। तुम राजकुमार कहलाने के लायक नहीं हो, तुम तो एक सैयन के नाम पे बहुत बड़ा थप। जामासू की ये बोलते ही वेजिटा जामासू पर हमला कर देता है और लगातार हमला करता रहता है और बोलता है, अगली बार दोबारा ये बोलने की गलती मत करना। फिर हम देखते हैं कि जामासू वेजिटा के पीछे आकर के बोलता है, ओ सच में वेजिटा? वेजिटा ये देख करके चौंक जाता है और बोलता है, आखिर ये मेरे पीछे कब आया? इस पर जामासू कहता है, सुपर सैयन में तुम मेरा सामना करोगे? तुम्हारे पास जितने भी सारे फॉर्म हैं, तुम अपने सबसे ताकतवर फॉर्म का इस्तेमाल करो, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारे सारे फॉर्म से एक एक कर लड़ूं, तो जल्दी करो वेजिटा। फिर हम देखते हैं वेजिटा सुपर सैयन ब्लू में बदल जाता है और फिर जामासू पे अटैक कर देता है। इस पर जामासू बोलता है, मुझे मजा नहीं आ रहा है वेजिटा, अब लगता है कि मुझे तुम्हें तहखाने में बंद करना ही पड़ेगा। क्या? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें तो मारने नहीं वाला, मैं तुम्हें अपने तहखाने में बंद कर दूंगा और तुम उस तहखाने में हजारों साल तक बंद रहोगे और वहाँ पर तुम्हारी मौत भी नहीं होगी। इस पर वेजिटा कहता है, तो ठीक है, अब तुम मेरे इस हमले का सामना करो जामासू। वेजिटा अपना सबसे ताकतवर हमला फाइनल फ्लैश तैयार कर रहा था। इस पर जामासू कहता है, तुम्हारी कोशिश बेकार है मॉर्टल, वो तो अभी पता चल जाएगा जामासू, तो तुम अपनी पूरी ताकत दिखाओ सैयन। ये बोलकर वेजिटा जामासू पर फाइनल फ्लैश से हमला कर देता है। इसके बाद फिर वेजिटा हंसने लगता है और बोलता है, क्यों तुम्हारी सारी हेकड़ी निकल गई? बड़े आए थे सैयन प्रिंस का मुकाबला करने के लिए, देखा मैंने तुम्हें धूल में बदल दिया जामासू, अब तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा हो ही गया होगा। फिर हमें हंसने की आवाज सुनाई देती है। वेजिटा शॉक हो जाता है और कहता है, ये नामुमकिन है। जामासू वेजिटा के बिल्कुल सामने आ जाता है और एक की ब्लास्ट से हमला कर देता है।
फिर हम देखते कि वेजिटा अधमरा सा हो जाता है और नीचे गिर जाता है। जमासू हंसने लगता है और बोलता है, क्या हुआ मॉर्टल, तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो अब क्या हुआ? कोई भी लॉर्ड जामासू का सामना नहीं कर सकता, समझे? और मैं तुमसे भी अपना बदला जरूर लूंगा पीरस। फिर सीन चेंज होता है और हमें बुलमा का सीन दिखाया जाता है। बुलमा उन 6 ड्रैगन बॉल को एक चेंबर में रख रही थी। वो देखती है कि चेंबर पर एक अजीब सा चीज दिख रहा था। फिर बुलमा घबराते हुए पीछे मुड़ती है और वो देखती है कि उसके सामने सेल होता है। बुलमा बहुत घबरा जाती है। फिर सेल बोलता है, काफी सालों के बाद मैंने तुम्हें देखा है बुलमा, तुम उस बॉल को छुपाकर क्यों रख रही हो? उसे तुम जल्दी से बाहर निकालो, क्योंकि उस बॉल की मुझे जरूरत है। बुलमा बोलती है, सेल तुम जिंदा कैसे बच गए? इस पर सेल कहता है, वो सब हम बाद में बात करेंगे, अभी जल्दी से मुझे वो बॉल दे दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। बुलमा बोलती है, कहीं वो 7वां ड्रैगन बॉल? इस पर सेल कहता है, ओह तो इस बॉल को ड्रैगन बॉल बोलते हैं, उसे तो मैंने खा लिया और मैं पहले के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर भी हो चुका हूँ। अब मेरा समय बर्बाद मत करो और वो बॉल मेरे हवाले कर दो। इस पर बुलमा बोलती है, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें ये ड्रैगन बॉल नहीं दूंगी। तो ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर हम देखते हैं कि सेल बुलमा पर 3 ब्लास्ट से हमला कर देता है और फिर उस चेंबर को तोड़ देता है। उस चेंबर में 6 ड्रैगन बॉल होते हैं। सेल उस ड्रैगन बॉल को देख करके काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर सेल बोलता है, अब मैं इस सभी ड्रैगन बॉल को खाकर इस पूरे सिस्टम में सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। बुलमा जख्मी होती है और फिर बुलमा बोलती है, ट्रंक्स। फिर तभी ट्रंक्स को महसूस होता है कि मॉम खतरे में है। ट्रंक्स फ्यूचर ट्रंक्स को बोलता है, मॉम खतरे में है, हमें वापस चलना होगा। फ्यूचर ट्रंक्स बोलता है, क्या हुआ ट्रंक्स? वो ट्रंक्स बोलता है, मॉम खतरे में है, हमें जल्दी वापस चलना होगा, जरूर कुछ गड़बड़ है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों कैप्सूल कॉर्प की तरफ निकल जाते हैं। सेल उन सभी ड्रैगन बॉल को एक साथ ही खा जाता है। फिर ट्रंक्स भी वहां पर पहुंच जाता है। ट्रंक्स बोलता है, सेल क्या, लेकिन ये कैसे हो सकता है? फिर हम देखते हैं कि वहां पर बहुत तेज रोशनी चमकने लगती है। सेल! फ्यूचर ट्रंक्स ये देख करके चौंक जाता है कि आखिर उसने सारे के सारे ड्रैगन बॉल को कैसे खा लिया, कोई भला ऐसा कैसे कर सकता है। फिर हमें किंग काई का सीन दिखाया जाता है। बबल्स घबराने लगता है। तभी किंग काई बोलते हैं, क्या हुआ बबल्स, आखिर प्लेनेट अर्थ पर क्या हो रहा है? और गोकू भी यहाँ पर नहीं है, पता नहीं अब इस धरती का क्या होगा। फिर गोहान घबराते हुए बोलता है, लॉर्ड बीरस जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे अर्थ पर जाना होगा। और इधर हम देखते हैं कि हमें सेल को दिखाया जाता है जो कि अपने न्यू फॉर्म में होता है और बोलता है, अब मैं अपना बदला लूंगा।